इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ 26 अप्रैल को। मेरे भी फर्स्ट वोटर हूँ, मैं भी पहली बार वोट डाल लेता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वोट डाल लेता हूँ। अपना वोट जाया ना करे, अपना वोट वेस्ट ना करे। घर बैठ के उनको कुछ नहीं मिलेगा। अपने लिए वो एक अच्छा नेता चूज करे, वोट डाले। जो भी यंग वोटर यहाँ पे है, मेरी तरह ओल्ड वोटर यहाँ पे है, आपको मौका मिला है अपना फेवरेट बेस्ट कैंडिडेट चुनने का। आपको मौका मिला है डेमोक्रेसी को डायनेमिक बनाने का। तो 26 अप्रैल को आप सब लोग अपने घर से निकल के अपने पोलिंग बूथ पे जाके वोट करें। वोट पाने मिलिया ऐसे सारे जाना है, वोट पाइयै रियासी गी खुशहाल बनाना है। असें खुशहाल बनाना है, सारें वोट पाना है। असें खुशहाल बनाना है, सारें वोट पाना है। 26 अप्रैल को आप जानते हैं पोलिंग शुरू हो रही है, इस दिन वोटिंग होनी है। तो जितने भी यंग वोटर्स हैं और उसके अलावा बाकी भी वोटर्स को एक मैसेज देना था कि 26 अप्रैल को वो घर से निकलें, अपने पोलिंग बूथ जाएं, वोट करें, क्योंकि यही वो मौका है जिसमें वो डेमोक्रेसी के हीरो बनते हैं। स्वीप बेसिकली हर वोटर को ये बताने के लिए है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जनरली एक परिचर्चा घर में होती है, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। हर एक वोट मैटर करता है। कई जगह तो आपने देखा है मार्जिन एक या दो वोटों का भी रह जाता है। तो हम लोगों को यही चाहते हैं कि आप अगर सरकार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये जो वोटिंग का दिन है इससे बेहतर दिन कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी का वोट करें, जिसको वोट करना चाहते हैं करें, और परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो लोगों को भी ये पता चलेगा कि जो आम पब्लिक है वो कितनी इंटरेस्टेड है डेमोक्रेसी में। एंड दैट हेल्प्स अस टू इंश्योर दैट वी रीच आउट टू एवरी वोटर अक्रॉस द एंटायर। अत्राफ टीवी, हर बात सच के साथ।